चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तीन क्लास जो सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे कंटिन्यू आपकी आएंगी जीएस की। तो पानी के घनत्व की बात करते हैं। पानी का घनत्व है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। या बर्फ़ का घनत्व की बात करें भाई तो 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को कह सकते हैं 900 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, बर्फ़ के पिघलने पर आयतन घटता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का आयतन है तो बर्फ़ का पिघलेगा तो थोड़ा कम आयतन हो जाएगा तथा घनत्व बढ़ता है। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। चलिए बात करते हैं, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। जितना घनत्व ज़्यादा होगा उसमें तैरना उतना आसान होगा। जैसे समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं और नदी में तैरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि नदी का पानी का घनत्व थोड़ा कम होता है, समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं वस्तु का सापेक्ष घनत्व। तो वस्तु का वायु में भार बटे वस्तु का जल में भार, जल में आवासी भार में कमी, ठीक है, जल में जो आवासी भार में कमी होती है उसी को आपेक्षित घनत्व कहते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बिंदु लेते हैं, उनके घनत्व के बारे में बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का घनत्व कितना होता है भाई? 0.089। हीलियम का घनत्व होता है 0.179। एरोग्रेफाइट का घनत्व होता है 0.2। ठीक है, एरोगेल का घनत्व होता है 1। वायु का घनत्व होता है 1.2। द्रव हाइड्रोजन का घनत्व होता है 70। और सेफ्रोम का घनत्व होता है 75। कोक का घनत्व होता है 240। और पिन का घनत्व होता है 376। और वुड यानी लकड़ी का घनत्व होता है 700। तो ये घनत्व के बारे में आप जान चुके हैं, घनत्व क्या होता है, किस में तैरना आसान होता है, पानी का घनत्व क्या होता है, बर्फ का घनत्व क्या होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहता है। ठीक है, इसलिए पानी पर बर्फ तैरती है। क्यों तैरती है भाई? क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।